हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इजी एंड टेस्टी वेजिटेबल पुलाव। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस तरह का पुलाव बना के आप लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं और बच्चों को भी डाल सकते हैं। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए अब हम से बनाना शुरू करेंगे। अब हम कुकर लेंगे। कुकर में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और इसी के साथ मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ऑयल गर्म होने के बाद थोड़े खड़े मसाले हम इसमें डालेंगे, इलायची, लवंग, दालचीनी। मैंने यहाँ पे 2 कटे हुए मीडियम साइज के प्याज लिया है। अब हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। प्याज का कलर पूरा चेंज हो चुका है, प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। इन तीनों चीज़ों को मैंने पेस्ट बनाया था, उसको मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। इसको भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है वेजिटेबल कट करने का तो आप रात में ही वेजिटेबल को कट करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गाजर, बीन्स, मटर, आलू और सोयाबीन लिया है। सोयाबीन को मैंने 5 मिनट के लिए गर्म पानी में सोख होने के लिए रख दिया था। अगर आपको दूसरी सब्जी ऐड करना है, गोभी, पनीर, आप ऐड कर सकते हैं, और जो भी आपको सब्ज़ी पसंद नहीं है आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इन सारे सब्जी को मैंने 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इसी के साथ 2 कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे 1/2 कप दही लिया है। दही डालने से पुलाव बहुत ही अच्छा बनता है। जब भी आप चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी, जो भी आप बिरयानी बना रहे हैं तो उसमें दही डाल दीजिए। दही डालने से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम लोग इसमें हल्दी डालेंगे कलर के लिए और मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ और इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसे बनाना बहुत सिंपल है और ये बहुत टेस्टी बनता है। आप इसको बॉक्स में रख सकते हैं, लंच के लिए, डिनर के लिए बना के आप सर्व कर सकते हैं। अब सब्जी फ्राई हो चुका है। मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी लिया है। मैंने 1 गिलास चावल लिया था तो मैं यहाँ पे 2 गिलास पानी ले रही हूँ। आप जितना चावल लेते हैं उसका डबल पानी आप डाल सकते हैं। 1 गिलास चावल मैंने लिया था, उसको अच्छी तरह से धो के अब हम इसमें ऐड करेंगे। पानी देखिए बॉयल आ रहा है। जब पानी बॉयल आएगा तभी हमको चावल डालना है। इससे पुलाव बहुत अच्छा बनता है और चावल हमारा खिला खिला बन जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करना है अच्छी तरह से क्योंकि चावल नहीं तो सब्जी नीचे रह जाएगा, इसलिए हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स होने के बाद हम लोग कुकर का लिड लगा लेंगे और 2 से 3 सीटी हम लोग ले लेंगे। प्रेशर पूरा चला जाने के बाद हम लोग लिड को ओपन कर लेंगे और पुलाव को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस रेसिपी को आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपका रेसिपी कैसे बना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।